स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री का चैप्टर वन में स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि इस कहने का मतलब यह हो गया कि हम जो सॉलिड को अगर कोई लिक्विड सॉलिड फॉर्म में है तो उसका टेम्परेचर क्या है, अगर वो लिक्विड एक मेल्टिंग पॉइंट में जब मेल्टिंग पॉइंट में जब वो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर कितना होता है, फिर उसको अगर बॉइलिंग पॉइंट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो एक स्केल्स जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो तीन तरह का होता है, सेल्सियस स्केल्स, फारेनहाइट स्केल्स और केल्विन स्केल। जिसमें सेल्सियस स्केल्स भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, फारेनहाइट से भी मेजर करते हैं, केल्विन से भी मेजर करते हैं, बट तीनों का डिफरेंट वे होता है। ठीक है, जैसे सेल्सियस स्केल में 0°C पर हमारा लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो किस रूप में बन जाता है, सॉलिड रूप में बन जाता है। ठीक है, 0°C पे, ठीक है, लिक्विड जो है किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है 0°C पे, और 100°C पे यही हमारा लिक्विड जो होता है वो बॉइलिंग होकर के गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको इवापोरेशन कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ठीक, तो सेल्सियस में हम लोग 0°C और 100°C के रूप में इसको मेजर करते हैं। फारेनहाइट में होता है कि आपका 32°F आई थिंक, ठीक है, 32°F पे, ठीक है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, होता है, यानी 32° पर लिक्विड जो होता है एक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इसको माना जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 32°F पे होता है तो वो लिक्विड जो होता है हमारा सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लिख दो, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। अब 32°F पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इसका 212 आई थिंक फारेनहाइट होता है, इसका 212 फारेनहाइट पर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट 212°F पर मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो यह हमारा गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब केल्विन स्केल्स जो होते हैं, है ना, वो केल्विन स्केल्स आपका एक होता है 273° और एक होता है 373°। 273° पर आपका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी 273° पर आपका जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 373° पर आपका हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, इट मीन्स डैट बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, कितना, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 273 केल्विन जो हो गया वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो यह तीन तरह सबसे बेस्ट स्केल्स होता है, केल्विन स्केल होता है, इसमें नेगेटिव साइन शो नहीं होता है। ठीक है, अब आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मीन्स कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं, है ना, ये सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, ये कैसे होते हैं भाई, है ना। तो ये सब जो कन्वर्जन जो होता है ना, जैसे फर्स्ट में आता है कि चेंज ऑफ स्टेट बाय टेम्परेचर, है ना, अगर हम किसी सॉलिड मैटर को में टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है ना, जब इसको हीटिंग करेंगे, है ना, तो हीटिंग करेंगे जब सॉलिड को तो यह मेल्ट कर करके किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि टेम्परेचर जब इसको बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा आइस वाटर जो होता है, ठीक है, ये आइस वाटर सॉलिड, ठीक है, तो जब इसको हीटिंग करेंगे तो यह हमारा हीटिंग प्रोसेस, जब इस पर हीट ज़्यादा से ज़्यादा जब हीट इसको करेंगे तो क्या करेगा,
सॉलिड रूप में जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ फ्रीजिंग बर्फ के रूप में रहता है। तो जब इसमें हीट एनर्जी जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा बर्फ जो फ्रीजिंग होता है तो उसको जब हम हीट करते हैं तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो वो 0 डिग्री पर टूटना शुरू करेगा और मेल्टिंग होकर के लिक्विड के फॉर्म में मौजूद हो जाएगा, ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में लिक्विड के रूप ले लेगा। तो सॉलिड से हम लिक्विड रूप में कब कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक सॉलिड को लिक्विड के रूप में जब हम जब उसमें हम हीटिंग का वर्क करते हैं, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड में जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सॉलिड का टेम्परेचर, तो वो हमारा लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड में है ना टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, लिक्विड का टेम्परेचर जितना डिक्रीज करेंगे है ना, तो वो फ्रीजिंग होकर के किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं है ना, जब लिक्विड का टेम्परेचर क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं, तो वो लिक्विड एक इवापोरेशन के रूप में एक वेपोराइजेशन के रूप ले लेता है और गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो गैस का टेम्परेचर जैसे ही आप डिक्रीज कीजिएगा है ना, तो जाहिर सी बात है गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो गैस का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे कंडेंस, यानी कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और यह प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है और वो गैस एक लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे गैस का अगर ले लीजिए कि ये गैस का हम और आप जानवे करते हैं कि इसका एटम्स होते हैं कि बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होते हैं, गैस के एटम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होते हैं, इसके काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब इस पे अगर हम क्या करेंगे इस पर इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे इसका टेम्परेचर को, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इस पर बनेगा है ना, तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, तो ये जो भी एटम है जो काफ़ी दूर तक है ठीक है ना, वो सब करीब आ जाएंगे, इतनी करीब आ जाएंगे कि एक लिक्विड का फॉर्म ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक लिक्विड का फॉर्म ले लेंगे, इस तरह का एक लिक्विड बन जाएगा, एक लिक्विड एक प्रेशर के रूप में लिक्विड के फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में देखे होंगे सीएनजी हो गया, एलपीजी गैस हो गया है ना, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है, यानी वो एक लिक्विफाइड होता है, यानी कि एक अंडर प्रेशर में होता है, उसके कंटेनर के अंदर में एक हाई प्रेशर के रूप में रहता है, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के कम क्लोज नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आने के बाद है ना वो एक लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और एक लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। तो गैस हमारा है ना, जब गैस को टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर जब हम कम करेंगे रिड्यूस करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा, और इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से है ना, या गैस जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस में आकर लिक्विड का रूप ले लेगा। एक आता है सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो यह जब सॉलिड को हीट करेंगे तो यह डायरेक्टली गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम लोग इससे पहले देखे थे कि सॉलिड को हीट करने पर पहले वो लिक्विड के रूप में आता है, और लिक्विड से जब लिक्विड में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब जाके वो गैस के रूप में कन्वर्ट करेगा। बट यह एक ऐसा सॉलिड होता है जो इसको हीट करने पर बिना लिक्विड रूप में कन्वर्ट हुए यह डायरेक्टली गैस के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉलिड जो होते हैं वो ड्राई आइस कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है, आयोडीन कहलाता है, ठीक है, ड्राई आइस हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, बहुत हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, नेपथैलिन हो गया है ना, बहुत सारा है चीज़ है जिसको हम लोग डायरेक्ट हीट करने पर क्या होता है, बिना लिक्विड रूप में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में फ्लो करता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका
स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर था, दूसरा इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर था कि कैसे एक सॉलिड लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है, कैसे एक लिक्विड गैस के रूप में कन्वर्ट होता है और कैसे एक गैस लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़े इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में चेंजिंग ऑफ स्टेट बाय द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम हर स्टेट ऑफ मैटर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो हमारा वही स्टेट ऑफ मैटर किस रूप में मतलब चेंज होता है ना, दिस इज कॉल्ड है ना इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें फर्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये चीज आपका समझ गए होंगे, सेल्सियस स्केल्स 0°C, ठीक है। सेल्सियस स्केल में हम लोग 0°, यानी कि सेल्सियस स्केल 20°C से मेजरमेंट करते हैं, एक 0°C और 100°C। 0°C पर क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग बनना शुरू हो जाता है। 100°C पर बॉइलिंग होता है, गैस बनना शुरू कर देता है, ठीक है। और फारेनहाइट स्केल जो होता है डिग्री फारेनहाइट से इंडिकेट करते हैं, 32°F पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 212°F पर, ठीक है ना, वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है। केल्विन स्केल्स है ना, केल्विन स्केल जो होता है 273 उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और 373 बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब नाउ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कहा जाता है कि जिस टेम्परेचर पर जब कोई सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर दे, जिस टेम्परेचर पर जब कोई सॉलिड लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के रूप में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। एट द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यानी कि द टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है किस रूप में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के रूप में अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे दो बार बोल चुका हूँ, अगर देखें तो लिख लीजिएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। अब कहने का मतलब क्या, कुछ कहने का मतलब यह हो गया कि जिस टेम्परेचर पर अगर हम सॉलिड को चेंज करते हैं और लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करता है, तो हम कहें कि 0°C पर, ठीक है, 0°C पर यह सॉलिड है, जो 0°C पर जब सॉलिड को क्या करते हैं, इस पर हीटिंग करते हैं, ठीक है, 0°C पर तो बर्फ भी रहता है, जब इसको हीट करते हैं तो
तो यह हमारा लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड के रूप में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो 0°C पर हमारा आइस वाटर रहता है। इस पर जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग किए तो ये लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो भाई जब हम इसको हीट किए है ना, हीटिंग प्रोसेस किए, अब इस पर यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हम हीट कर रहे हैं है ना, खूब टेम्परेचर इस पर देते जा रहे हैं, जब इस पर टेम्परेचर देते गए है ना, बर्फ़ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मिलने लगा, बर्फ़ फिर भी इतने सारे टेम्परेचर को लेकर के है ना मेल्टिंग करना शुरू करता है, बट जब उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसके स्केल से मेजरिंग किया जाता है, तो उसका मेजरिंग 0°C आता है ना। क्या रीज़न होती है इसके पीछे? कि इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही रहता है। जब इसको हीटिंग, जब हम मतलब कि हीटिंग प्रोसेस जो होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं सॉलिड आपका आइस में, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर का है ना, तो यह सॉलिड जो है उस टेम्परेचर को है ना ले करके मेल्टिंग करती है, बट इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही रहता है, 0°C ही रहती है। क्या रीज़न होता है इसके पीछे? इसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है, है ना? तो इसके पीछे रीज़न यह होता है कि इसमें अगर आप सॉलिड सब्सटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, हीटिंग करेंगे हम लोग ठीक है, तो वो टेम्परेचर इस आइस वाटर जो है ना, उस टेम्परेचर को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस हीटिंग प्रोसेस से अपने उस अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कम्पैक्टली क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके एटम्स है ना, वो हीटिंग को ऑब्जर्व करके उसका मॉलिक्यूल्स धीरे 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 है ना टूटना शुरू कर देता है, और टूट करके ठीक है ना वो लिक्विड फॉर्म में रूप ले लेता है। तो उसको टूटने में, एक लिक्विड के रूप में चेंज करने के लिए वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ताकि इसका मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है ना, इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको लूज बना देता है ठीक है, तब जाकर के ये मेल्ट करता है। इसलिए एनर्जी को ये ऑब्जर्व करते रहता है, और शो हमारा होता है 0°C कब तक? जब तक क्या? उसका एक कण भी अगर बर्फ के रूप में रहता है तब ठीक है ना। और जब ये कंप्लीटली आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया तो 0°C खत्म। अब इसको जब ज़्यादा टेम्परेचर दीजिए ठीक है, जब हम इसको ज़्यादा और भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तब यह लिक्विड जो होता है, लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए लिक्विड का टेम्परेचर 100°C इंक्रीज कर दिए ठीक है, तो यह 100°C पर किस रूप में चेंज हो जाता है? गैस के रूप में चेंज हो जाता है ठीक है ना। फिर भी इसका टेम्परेचर इवन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर 100° से ज़्यादा देते हैं, जब 100° से ज़्यादा भी देते हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर 100° ही सी दिखाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाता है, और वो स्टीम जो होता है उस मतलब लिक्विड जो है उस मतलब हीटिंग को ऑब्जर्व करके स्टीम बनाता है, और स्टीम जो है उस हीट को है ना ऑब्जर्व करके है ना वो गैस के रूप में उड़ते रहता है, जिस कारण से उसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है रिमेन कांस्टेंट ही शो करता है ठीक है। तो इस कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड में अगर 100°C शो करता है, बट टेम्परेचर हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं लेकिन फिर भी 100° ही शो करता है, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि टेम्परेचर लिक्विड में जब देते हैं तो लिक्विड जो होता है एक गैस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है, गैस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स डैट कि एक स्टीम का रूप ले लेता है, और स्टीम जो होता है उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके फ्लो करते रहता है, जिस कारण से उसमें बचा हुआ जो टेम्परेचर जो होता है वो रिमेन कॉन्स्टेंट ही दिखाता है। इसलिए लिक्विड जो होता है 100°C पर किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 0°C पर सॉलिड किस रूप में कन्वर्ट होगा? लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है ठीक है। अगर हम इसको केल्विन रूप में देखा है तो केल्विन के रूप में इसमें कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। 0°C बराबर 273 केल्विन। 273 केल्विन पर लिक्विड का फॉर्म ले लेगा ठीक है। 373 केल्विन पर 100°C मतलब 373 केल्विन पर गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट सेम वही है. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इन टू द गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है गैस में, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कहते हैं. तो और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे क्या करते हैं, लिक्विड को कन्वर्ट, लिक्विड जब लिक्विड में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस डालते हैं, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड जो होता है ना स्टीम बनाना शुरू कर देता है, वेपर बनाना शुरू कर देता है और गैस बन करके उड़ना शुरू कर देता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर जो है गैसेस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड के रूप में, लिक्विड से गैस के रूप में चेंज हो जाता है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. क्लियर?